जी हाँ, हिसार को मिले हैं एक नए कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर प्रदीप दहिया। जी हाँ, आईएएस अधिकारी हैं प्रदीप दहिया और 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और इनकी पोस्टिंग जो है पहले कैथल, रेवाड़ी और गुरुग्राम में भी हो चुकी है, वहां पर बतौर डीसी जो है अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। और अब हिसार में इन्होंने नगर निगम कमिश्नर के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। और कार्यभार संभालते ही इन्होंने आते ही अधिकारियों की मीटिंग ली और मीटिंग लेकर के तमाम कार्य जो हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं, उन कार्यों के बारे में जानकारी ली। और कार्यों के बारे में जानकारी लेते ही उन्होंने एक्शन भी शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि वैसे तो बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी के रूप में इन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। प्रदीप दहिया जो कि आईएएस अधिकारी हैं, कहा इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार जो है मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। और आईएएस अधिकारी होने के नाते इन्होंने पहले भी डीसी के बतौर डीसी अपना कार्यभार अच्छे से किया है। और अब हिसार के नगर निगम कमिश्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया। आते ही अधिकारियों से मीटिंग ली, मीटिंग लेते ही जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से करने के लिए आदेश दिए। और इसी दौरान उन्होंने हिसार के डंपिंग स्टेशन, ढंडूर डंपिंग स्टेशन पर भी इन्होंने मुआयना किया। और सात रोड के जो स्वर्ण जयंती पार्क है वहां पर कुछ चेयर्स जो है वो गायब मिली, जिस पे अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे जो है किसी प्रकार का एक्सक्यूज बहाना नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए और मुझे हर हाल में काम चाहिए। जी हाँ, साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो काम चाहते हैं और काम ही होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने जो हाउस टैक्स के लिए जो कार्य को सरल करने के लिए कहा, ताकि ग्राहकों को, ताकि जो है लोगों को दिक्कतें ना आए, परेशानियां ना आए। साथ के साथ उन्होंने कहा कि शहर में तमाम जगहों पर वो मुआयना करेंगे और जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का काम करेंगे। इस समय नए कमिश्नर जो है वो आ चुके हैं। जी हाँ, नए नगर निगम के कमिश्नर आईएएस प्रदीप दहिया, 2013 बैच के अधिकारी हैं आईएएस प्रदीप दहिया। और आते ही एक्शन में नजर आया, अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि मुझे बहाना नहीं, मुझे काम चाहिए और काम से प्यार है, मुझे काम चाहिए। साफ तौर पर इन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी विभागों के अधिकारियों से इन्होंने मीटिंग ली। मीटिंग लेते ही अगले एक घंटे में ये फील्ड में नजर आए और फील्ड में स्वयं उतर करके इन्होंने कई जगहों पर जा करके मुआयना किया, चाहे फिर सात रोड का पार्क हो, चाहे अन्य जगह हो, चाहे ढंडूर का डंपिंग स्टेशन। ढंडूर के डंपिंग स्टेशन के लिए जो काम ठीक चल रहा है उसके लिए अधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। कहा कि जो काम ठीक चल रहा है उसे ठीक चलते हुए तेजी से कार्य करने चाहिए। फिलहाल अधिकारियों को फटकार भी लगाई, उन्होंने कहा आईएएस अधिकारी। जी हाँ, प्रदीप दहिया आईएएस अधिकारी जो है कैथल में भी, गुरुग्राम और रेवाड़ी में बतौर आईएएस अधिकारी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और बतौर डीसी जो है वहां पर कार्यभार संभाला था और अब हिसार में नगर निगम कमिश्नर के रूप में इन्होंने नियुक्ति की है। जैसे ही नियुक्ति की करते ही अगले ही एक घंटे में, उसी दौरान मीटिंग की और मीटिंग करते ही अगले एक घंटे में जो फील्ड में नजर आए और फील्ड में जा करके इन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को एक इशारा दे दिया है, एक तौर पर कह दिया गया है और कहीं ना कहीं इशारों में समझा दिया है कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, इशारों में इन्होंने समझा दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए और साफ तौर पर ये वहाँ गए भी। हालांकि स्वभाव के बारे में ये कहा जाता है कि मिलनसार हैं और मृदुभाषी हैं। और अब हिसार को काफ़ी उम्मीदें इनसे हैं, जो प्रोजेक्ट काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े हैं उनको जो है कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए इनकी तरफ देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें पूरा करेंगे। एक दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करने वाले प्रदीप दहिया के बारे में कहा जाता है। आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से ये कितना काम कर पाते हैं, लेकिन इनके बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो है जहाँ एक दिन में ज्वाइन करते हैं फील्ड में नजर आए, वहीं पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं प्रदीप दहिया आईएएस अधिकारी। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करते हैं, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताज़ा अपडेट।